देखिए, जो भी डिसीजंस होने हैं वो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होने हैं, और वो सारे निर्णय आपसी बातचीत के जरिए होंगे, दोनों पार्टियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके ही वो निर्णय लिए जाएंगे कि कहां पर सीट शेयरिंग का फायदा है, कहां पर नहीं है, कहां पर साथ लड़ेंगे, कहां पर साथ नहीं लड़ेंगे। ये सारे निर्णय दोनों पार्टियों में आपसी सहमति से होने हैं और उस पर अभी बातचीत चल रही है। हम इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, हरियाणा को लेकर के, गोवा को लेकर के, दिल्ली को लेकर के, गुजरात को लेकर के हम बहुत पॉजिटिव हैं। दो दौर की हमारी बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि एक ऐसा गठबंधन हरियाणा के अंदर भी बन सकेगा जो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों के ऊपर हरा सके। अगर कोई ये सोचता है कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है तो उस व्यक्ति को 2014 और 19 का इतिहास देखना चाहिए। जो गैप है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोट शेयर का, वो किसी भी हालत में कांग्रेस का ना संगठन ना उनका कोई नेता उस गैप को पाट सकता है। अगर हरियाणा में जीत का रास्ता निकलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे निकल सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हराया जा सकता है।